हमारी ये रिपोर्ट देखकर बहुत सारे समोसे, कचौड़ी और पकौड़े बनाने वाले आज हमसे नाराज हो सकते हैं। वैसे हमारे देश के लोग सेहत से ज्यादा स्वाद पर ध्यान देना पसंद करते हैं और उनकी इसी सोच की वजह से देश में समोसे कचौड़ी बेचने वाले बहुत से व्यापारियों की बिक्री लाखों रुपए से ज्यादा होती है, लेकिन वो अपनी कमाई पर टैक्स देना पसंद नहीं करते। आप खुद भी अपने दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए आपके आसपास जितने भी लोग हैं जो समोसे बेचते हैं, कचौड़ी बेचते हैं, पकौड़े बेचते हैं या और चीजें बेचते हैं, उनमें से कितने लोग टैक्स देते होंगे, चाहे उनकी कमाई कितनी भी हो। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी कमाई आपसे ज्यादा है। ये वो लोग हैं जो कचौड़ी और पकौड़े बेचने को एक छोटा काम बताकर टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं। इन लोगों पर ध्यान तभी जाता है जब सरकारी अधिकारी टैक्स की चोरी की जांच के लिए वहां छापा मारते हैं। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक कचौड़ी बेचने वाले दुकानदार की पूरे देश में चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश के जीएसटी विभाग के मुताबिक इस व्यापारी का सालाना टर्नओवर 60 लाख रुपए से भी ज्यादा है। सोचिए, ये कचौड़ी वाला साल भर में 60 लाख से ज्यादा की कचौड़ी बेचता है, इसलिए वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी के दायरे में आता है। अब आप सोच सकते हैं कि पूरे देश में ऐसे व्यापारियों की संख्या कितनी होगी, ऐसे कितने कचौड़ी और समोसे वाले होंगे, पकौड़े वाले होंगे। देश में 40 लाख से ज्यादा सालाना टर्नओवर पर किसी भी व्यापारी को जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है, लेकिन टैक्स ना देने वाली नियत की वजह से ऐसे लोगों की पहचान करना मुश्किल काम है, क्योंकि ये सारे लोग असंगठित क्षेत्र में आते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आते हैं। आज आपको देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर देश के विकास से जुड़ा हुआ है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इसमें वो लोग आते हैं जो या तो खुद का रोजगार करते हैं या छोटे मोटे काम करते हैं, जैसे आपके घर में काम करने वाले और गाड़ी चलाने वाले लोग, ठेले या रेहड़ी लगाकर काम करने वाले भी इसी क्षेत्र में आते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। जो छोटे मोटे व्यापारी होते हैं, इसमें वो लोग भी आते हैं जो छोटी सी दुकान लगाकर कचौड़ी या पकौड़े बेचते हैं। देश के कुल कामकाजी लोगों में से 93% लोग असंगठित क्षेत्र में ही काम करते हैं। भारत के जीडीपी में 45% योगदान इन्हीं का होता है। वहीं ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी संगठित क्षेत्र में देश के कुल कामकाजी लोगों का केवल 7% काम करता है, लेकिन देश की जीडीपी में इनका योगदान 55% है। इसमें वो लोग होते हैं जो रजिस्टर्ड संगठनों में काम करते हैं, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए नौकरी करते हैं, जिनके पास नियमित रूप से काम होता है और तय समय पर हर महीने उन्हें तनख्वाह मिलती है। जैसे मैंने कहा, आसान शब्दों में जो लोग नौकरी करते हैं। इन आंकड़ों से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश का एक वर्ग छोटे और मामूली काम का बहाना बनाकर टैक्स देने से बचने की पूरी कोशिश कर रहा है, जबकि देश के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखकर सरकार ने देश की आर्थिक जनगणना या इकोनॉमिक सेंसस कराने का फैसला किया। इसमें हर तरह का रोजगार करने वालों की गिनती की जाएगी, लेकिन पहली बार इसमें रेहड़ी और ठेले वालों को भी उनकी भी गिनती होगी। बड़े कारखानों के साथ ही अपना छोटा मोटा काम करने वाले भी इस आर्थिक जनगणना में शामिल किए जाएंगे। इसके लिए 27 करोड़ घरों और 7 करोड़ से ज्यादा प्रतिष्ठानों का सर्वेक्षण होगा। इससे देश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को बहुत सी सुविधाएं मिल पाएंगी और देश के टैक्स सिस्टम को मजबूती मिलेगी। वैसे आमदनी के आधार पर ईमानदारी से टैक्स देना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। इससे बचने की कोशिश से आपका और देश का दोनों का नुकसान होगा। और अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे अलीगढ़ में एक कचौड़ी वाला असल में लोगों को यही बताता था कि वो तो एक गरीब आदमी है, किसी तरीके से अपने परिवार का पेट भर रहा है। लेकिन जब जीएसटी वाले वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि ये आदमी का जो कारोबार है वो तो साल का 60 लाख से भी ज्यादा का है। स्वाद वाली सामग्री का आपकी सेहत से सीधा संबंध है, लेकिन स्वाद से होने वाली कमाई में से टैक्स बचाने वाली सोच से देश की सेहत का संबंध बहुत गहरा है।
कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन काम को छोटा बताकर टैक्स न देने का बहाना बनाना देश के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। अलीगढ़ ने हर साल 60 लाख रुपए की कचौड़ी बेचने वाले दुकानदार को अचानक चर्चा में ला दिया है, लेकिन इससे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि 60 लाख की दुकानदारी के बाद भी इस दुकानदार ने जीएसटी भरने का मन नहीं बनाया। मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि मेरे टर्नओवर 60 लाख रुपए से ऊपर का जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनमें 2-3-4 हजार रुपए छेड़े, जुर्माना तो नियमन के अनुसार ही लिया जाएगा। अभी थोड़ी थोड़ा फर्दर इन्वेस्टिगेशन कागजों के और जो चीजें पाई गई उसके आधार पर करेंगे, जुर्माना उसके आधार पर वसूल किया जाएगा। ये देश के सिर्फ एक दुकानदार की बात है। अब आप अपने ऐसे बहुत से दुकानदारों को देखते होंगे जो अपने खाने पीने की चीजों के लिए बहुत मशहूर होंगे, लेकिन आपने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की होगी कि देश के विकास के लिए टैक्स सिस्टम में इन लोगों की भी भागीदारी बनती है। लेकिन बहुत से दुकानदार ऐसा नहीं करते। सरकारी जमीन पर ये फुटपाथ है और यहाँ पर दुकान लगी हुई है, इसमें आपत्ति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए ये शायद अब बाद की बात है, लेकिन इस वक्त तर्क ये है कि अगर इनकम अच्छी है आपकी और आपके रेट्स भी इतने हाई हैं, अगर आप एक भल्ला पापड़ी चाट की प्लेट 70 रुपए में बेच रहे हैं तो आपका आप उसका बिल क्यों नहीं दे सकते। वही मैं बोल रही हूँ कि हैंड रिटन बिल, मतलब पेपर पे स्टेशनरी बुक्स होती है ना, कैश मेमो बुक्स, उनसे हैंड रिटन होता है, वो खुद लिख। अभी जीएसटी नंबर नहीं है, जीएसटी नंबर। देश के विकास के लिए भारत की सिर्फ 4.5% आबादी ही टैक्स भरती है, यानी देश के 135 करोड़ से ज्यादा लोगों को सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सिर्फ 6.5 करोड़ लोग ही टैक्स भर रहे हैं। इसमें संगठित क्षेत्र में नौकरी करने वालों की संख्या ज्यादा है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की कमाई का अंदाजा लगाने के लिए जीएसटी एक अच्छी टैक्स प्रणाली है, लेकिन नगद व्यापार के जरिए टैक्स बचाने वाली ये सोच देश का बहुत नुकसान कर रही है। दुकान के मेरे पास 3 बिल मौजूद हैं। सबसे पहला बिल जो मैंने समोसे खरीदे उसका ये बिल है, ये 20 रुपए का एक बिल, और इसमें आप देखेंगे कि कहीं भी आपको जीएसटी नंबर इसमें नहीं दिखाई देगा। ये पहले 20 रुपए का बिल, ये कैश मैंने दिया था और उसके बाद जब मांगा तब ये दिया गया, ये आप एक बार पकड़िएगा। दूसरा मैं आपको बिल दिखाता हूँ, दूसरा जो बिल है ये 50 रुपए का बिल है, मिठाई का बिल, यानी जब मैंने नाश्ता खरीदा था, लड्डू खरीदे थे 2, उसका ये बिल मुझे दिया गया। यहाँ पे देखिए आप पेट देख सकते हैं, आज की तारीख 28 जून देख सकते हैं, टोटल अमाउंट 50 रुपए। इसके ऊपर जो इसका स्टैम्प भी लगा है और दुकान का नाम भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी जीएसटी बिल, जीएसटी का जो नंबर है वो मेंशन नहीं है। तो आमतौर पर जो रोजाना जो कस्टमर्स आते हैं यहाँ पर भीड़ भाड़ में, वो जो है ये बिल लेकर के जाते हैं जिस पर जीएसटी का नंबर नहीं होता। लेकिन इसके बाद अगर आप इंसिस्ट करेंगे कि नहीं हमें जीएसटी का बिल ही चाहिए, तब जाकर के आपको ये पक्का टैक्स इनवॉइस का बिल मिलेगा। वैसे टैक्स चुकाकर मिलने वाली सुविधाओं पर सरकार की भूमिका पर भी बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकम टैक्स के मामले में ताली एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से बजती है। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि आखिर वो टैक्स क्यों दें, क्योंकि उन्हें सरकार से मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिलती। लेकिन इनमें से बहुत से लोग सिस्टम की आलोचना करके टैक्स बचाने का बहाना ढूंढ लेते हैं, लेकिन देश की तरक्की के लिए टैक्स देना आपका कर्तव्य है। इससे बचने की नीयत में आपका ही नुकसान है। मुंबई से राकेश त्रिवेदी के साथ निवृत्ति मोहन, जी मीडिया। हमारे देश में लोगों का ध्यान टैक्स चुकाने पर नहीं बल्कि टैक्स की चोरी करने पर ज्यादा होता है, और यही वजह है कि भारत की कुल आबादी में से सिर्फ 4.8% लोग ही टैक्स देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 136 करोड़ की जनसंख्या वाले देश भारत में सिर्फ 6.5 करोड़ लोग ही इनकम टैक्स देते हैं, यानी देश के 136 करोड़ लोगों का बोझ सिर्फ 6.5 करोड़ लोगों के कंधों पर है, या उनकी कह लीजिए उनकी जेब पर है। वर्ष 2017-18 में सिर्फ 5.08 करोड़ लोगों ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था। हैरानी की बात यह है कि इन 5.08 करोड़ लोगों में से
57 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी पर कोई टैक्स नहीं बनता।